नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी पुलिस शराब तस्करों के तस्करी करने के नए नए तरीके से हैरान है। इससे पहले टैंकर में शराब का जखीरा पकड़ने वाली हल्द्वानी पुलिस को अब डाक पार्सल वाहन से शराब का जखीरा मिला है, जहां काठगोदाम थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 62 पेटियों में लाई जा रही लगभग 1200 बोतल अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो कि डाक पार्सल वाहन से शराब लेकर पहाड़ को सप्लाई करने जा रहा था। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पंजाब से लाई ये अवैध शराब 4 लाख रुपए से अधिक कीमत की है। पकड़ा गया तस्कर सुनील हरियाणा का रहने वाला है। इस समय होली के मद्देनजर शराब की तस्करी बढ़ गई है, जिसे रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जो हमारी जो पर्टिकुलर पहले भी जो इन्फॉर्मेशन चल रही थी, उसी पे हम लोगों द्वारा काम किया जा रहा था, जिसका परिणाम यह है कि इसमें लगातार पुलिस द्वारा जो है शराब को लेकर के अभियान चला करके पकड़ की जा रही है, और जो इनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है हमारी टीम के लिए, उसको 5000 रुपये के इनाम की मेरी तरफ से घोषणा की जा रही है। इसमें सुनील ये झज्जर का रहने वाला है, हरियाणा का बेसिकली, और ये पंजाब से दारू शराब लाता है भारी मात्रा में। इसके पुलिस के पास पहले से जो है इस पे पुलिस काम कर रही थी, तो इसमें एसओजी और पुलिस काठगोदाम पुलिस द्वारा एक कंबाइंड अभियान चलाया गया, जिसमें खेड़ा के पास जो है ये गाड़ी रोकी गई। इसमें डाक पार्सल लिखा हुआ था, इससे जब कागज़ मांगे गए तो इसके दिखाने में असमर्थता इसने व्यक्त की, तो पुलिस को शक हुआ, तो पुलिस ने पूरी गाड़ी की चेकिंग की, जिसमें 1202 बोतलें शराब की मिली हैं, जिसकी अनुमानित लागत 4 लाख से ऊपर है, और इसमें सुनील को गिरफ्तार किया गया। और इसमें पुलिस ये कहाँ से ला रहा था, पंजाब से, और पहाड़ में ये किसे बेचने जा रहा था, इनकी अभी पड़ताल चल रही है, और इसमें आगे की कार्रवाई लेकर के पिछले एक महीने में जो अभियान चला है उसमें 3 बड़ी सफलताएँ हमें मिली हैं, और जिसमें 100 पेटियों से ज़्यादा शराब पकड़ी गई है। पहले जो 2 मिली थी उसमें आपका ब्रांडी लाई जा रही थी, और ये जो तीसरी है इसमें मैकडावल की संख्या ज़्यादा है। इसका अर्थ है कि ये पहाड़ों को लगातार जो पंजाब से सप्लाई होती है, हरियाणा पंजाब से, वो सप्लाई का प्रयास चल रहा है, तो इस पर पुलिस सख्त निगाह बनाई हुई है, और आगे जो इनसे पूछताछ से निकलेगा उसमें आगे बड़ी कार्रवाई है और देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।